ma ba ma ba da ba da li da li da da li da li da ba da ba ma ba ma ga ma ga re ga re ta ta re ga re ga ma ga ma pa ta re ga re ga ma ga ma pa ma pa da ta da li da li da ta ni da li da ba da ta ma ma ga ma ga re ga re ta ta re ga ma ba da li da da li da ba ma ga re ta ta re ga ma ba da li da da li da ba ma ga re a Dare gama de gama bagama padama padari padari dadani dabani dabama dabama gama gare magareta Sami dadani dabama dabama gama gare magareta Pata nahi clients is ladki ko pasand kyun nahi karte kyunki ye aapki pasand hai are tum kab aaye main gayi kab thi हाँ? क्यों नहीं गई नंबर वन आपने जाने को नहीं कहा नंबर टू ऑफिस के सब लोग जा चुके हैं नंबर थ्री मुझे अपने कमरे में अकेलापन महसूस हो रहा था तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अकेला हूँ यहाँ शादीशुदा आदमी तो ज्यादातर अकेला ही होता है ना तुम्हें कैसे मालूम जानती हूँ क्या यही कि शादीशुदा आदमी ज्यादातर अकेला ही होता है ना शायद आज भी कोई सोशल एंगेजमेंट है क्या नाइफ इन द वाटर का प्राइवेट शो है 7 बजे चलोगे आज तो तुमसे बहाना बनाना भी मुश्किल है इसका मतलब वो सब बहाने थे कोई बात नहीं मालूम था मुझे मुझे भी मालूम था कि तुम सब समझ गई हो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं समझती हूँ ये तो बहुत खतरनाक बात है खतरों के बिना जिंदगी कोई जिंदगी होती है रीटा तुमने कैसे जाना कि शायदशुदा आदमी अकेला होता है बताऊंगी फिर कभी अब चलो आए बैठो पहले बता तुम्हारे सवाल के जवाब में एक और सवाल करूं तुम महसूस नहीं करते हो अकेलापन कभी कभी क्यों सोचा नहीं सोच कर देखो अगर सोचने बैठ गया तो फिल्म तुम्हें अकेले ही देखने जाना पड़ेगा ठीक है इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती सबसे बेहतरीन चीज क्या है बता इंसान की जिंदगी में सबसे बेहतरीन सबसे कीमती चीज जिंदगी कैसा जवाब है जैसा जीवन है नहीं हा? वैसा नहीं बताऊं? इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती सबसे बेहतरीन चीज ख्वाब है सब कुछ होते हुए भी अगर बेहतरीन ख्वाब ना हो तो जिंदगी जीने लायक नहीं यानी शादीशुदा लोगों की जिंदगी में खूबसूरत ख्वाब नहीं होते नहीं ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश होती है शादीशुदा लोग प्रैक्टिकल लोग ख्वाब कहाँ देखा करते हैं बेटा तुम भी तो शादीशुदा हो थी और रही 4 साल तक फिर अचानक महसूस किया कि मेरे ख्वाब ख्वाहिश हो गए मैंने उनसे कहा वो हंस पड़े मैं चल पड़ी बच्चे अच्छे नहीं हुए शुक्र है कि नहीं हुए अगर हो जाते तो मुश्किल हो जाती मुश्किल तो उससे पहले ही हो जाती है शादी के साथ साथ प्यार सपने सबके लिए कब्र खुद जाती है
और उसके बाद बच्चे आकर सब कुछ दफना देते हैं। लीडर रहने दो, तुम जाओ तैयार होकर आओ। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है, हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में, दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में, इसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, किसकी ये आहटे ये कौन मुस्कुराया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है।
क्या हुआ? देखो कितना खूबसूरत कब्रिस्तान है। साहब मीम साहब दोनों को बुलाओ। साहब तो मीम साहब को बुलाओ। बोलो सुनील साहब आए। वाह रे वाह, तो सलाह हम भी शादी करेगा। नहीं करेगा। क्या हुआ? तुम्हारे ड्राइंग रूम की सजावट देखकर सोच रहा था कि शादी करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्यों नहीं? आओ इधर आओ। अब देखो कैसी लगती हो? अब बोलो। अब भी सजावट की जरूरत है? अभी तो है, कम से कम आज तो थी ही। पहले फूल तो निकालिए। करेक्ट। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छा सुनील, पहले ये तो बताइए हमारी शादी की सालगिरह आपको कैसे याद रहती है? तुम लोगों का दुश्मन नंबर एक हो ना, इसलिए। हंस क्यों रही? इसमें हंसने की क्या बात? असल में बात तो रोने की है। क्यों? हमारी शादी की सालगिरह और हमें कोई याद नहीं रहती है। ऐसा तो होता ही है, अगर याद रहे ना तो खर्च बढ़ जाता है। ये बात नहीं है सुनील, आजकल प्रोग्राम बनाने को जी नहीं करता। ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा ही होता है। जब संबंध सजावट से सादगी पर उतर आते हैं तब किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। काश ऐसा ही होता। काश ऐसा ही है। आने दो अमर। आसमान का रंग क्या है सुनील? नील। सच? सच तो नहीं है लेकिन सची तो है। झूठा सच। झूठे सच को असली सच बनाने के लिए। मार्गरेट एक प्याला चाय मारो। ये अमर ने बड़ी देर कर दी आज। हर प्रमोशन के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना। Повинен по накопну чтивек. Анжей понял меня добже. На него мой курс менять? Але тупан не достанет. Можем еще дать злотый загарок? Andrzej, błagam cię. Dobrze, daj mi ster. Do zwrotu przez rufę. Jest, do zwrotu przez rufę. Lewy pokaż od luz. Jest, lewy pokaż od luz. Prawy pokaż od wybierz. Jest, prawy pokaż od wybierz. Amen. क्या हो सर? दर्द
चले? ना, यू सी द फिल्म, सी इट वार। अच्छा गाना है बहुत, पर मेल सॉन्ग है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आवाज में बहुत अच्छा लगा। रेडियो बंद करो, म्यूजिक चला। मानसी, तुमने गाना गाना छोड़कर अच्छा नहीं किया। याद है कॉलेज के दिनों में हम लोग तुमको लता मंगेशकर कहते थे। अच्छा, एक चीज को गौर किया है आपने, कभी कभी रेडियो में फिल्मी गाने बिल्कुल ठीक मौके पर बजते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। अब कल का चक्कर सुनो। मार्गरेट, बिल्कुल चल गया। अरे वाह 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 वाह, एकदम फर्स्ट क्लास जला है। आज तो खाना खाने में मजा आएगा। ए, मेरे लिए चावल बनाया है कि नहीं? ज्यादा चावल खाने से पेट मोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि नहीं बनाया है? बनाया कि नहीं? अलग से नहीं बनाया, लेकिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मेरे ख्याल से आज अमर घर पे खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्या उसकी बाहर दावत है? शायद हो। इसका मतलब यह है कि पक्का नहीं है, तुम चांस ले रही हो। देखो, खाने के मामले में चांस मत लो। मैं कहता हूं अमर आज बाहर खा ही नहीं सकता, क्योंकि आज वाला जो आज है वो एक विशेष प्रकार का अत्यंत महत्वपूर्ण आज है। क्यों? हाँ, अगर उन्हें आज ये आज याद रहा तो। अच्छा, क्यों प्यारे, ये आने का टाइम है। हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। बहुत बहुत बधाई। आज मेरा जन्मदिन तो नहीं? अरे हाँ, आज तो हमारी शादी की सालगिरह। ऑफ दिस ऑफिस, माफ करना सुनील। क्या, आगे बोलो। सर में कितना दर्द है। मांझी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। गुड नाइट सुनील। गुड नाइट। संगीत गाना है, कुश्ती काहे को लड़ रहे?
Ďakujem. कह दो खाना खा कर जाए। गरम। ओहो, फिर सो गए। अरे लाज साहब उठो, 8:30 बज गए। अगर यही हाल रहा तो नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी। तब तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या? छोड़ देना चाहता हूँ नौकरी वोकरी। अमर, मानसी मुझे ये बता, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ कितने घंटे गुजारता हूँ? बोलो बोलो। 6, 2, 8। अरे अरे, सोने खाने पीने के नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और ऑफिस की सुंदरियों के साथ 8 घंटे। अच्छा, तो आपके ऑफिस में बहुत सुंदरियां हैं। क्या करें, काम ही अच्छा। एडवर्टाइजिंग का संसार सुंदर चेहरों का संसार है, इसलिए दिन भर की ताजगी के लिए हमेशा अपने आस पास हसीन चेहरों की नुमाइश रखिए। टिंटुन। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। तो जरा गौर से इस हसीन फरमाइश को भी देखिए। टिंटुम, आपका हुस्न जाने मन पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ हमारी है। यू आर माय पर्सनल पोजेशन, यू आर माइन अलोन। नोबडी एल्स मस्ट मिस यू बट मी, नोबडी एल्स मस्ट किस यू बट मी, नोबडी एल्स मस्ट ड्रीम ऑफ यू बट मी। यू आर माय पर्सनल पोजेशन, माय मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, माय लकी स्टार। अच्छा, अब ये मटकना छोड़ो और ऑफिस जाने की तैयारी करो। बात अब बा मुलायजा, होशियार, आज एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली गई है। सच? मुझे है झूठ से नफरत, मैं सच्ची बात कहता हूँ। तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। कम से कम एक दिन छुट्टी ऑफिस से ली गई है, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह, अर्थात मारे गए गुलफाम। तो हमें करना चाहिए क्या काम? जो रोज करते हैं काम, वो आज है हराम। जो रोज करते हैं? हाँ। जो रोज करते हैं? हाँ। जो रोज करते हैं? एक काम छोड़कर।
आइए खाना खाइए। अमर को कॉफी दी? वो शायद सो गए हैं। आजकल तो अफसर होना भी एक गुनाह है। पाप है। उठो, लोग आंखें फार फार कर देख रहे हैं। और तुम आंखें बंद करके गाती रहो। यह कैसे कोई गा सकता है? तुम भैया जी, हम दोनों शादीशुदा हैं और आज हमारी पहली सालगिरह है। बधाई हो साहब, आप हमारी मौजूदगी का परवाह न कीजिएगा क्योंकि इसी में आनंद है। बोलिए साहब, कौन सा सिनेमा घर चलेंगे? भैया जी, सिनेमा विनेमा नहीं, आज हमें कहीं दूर, बहुत दूर ले चलिए, शहर से बाहर। अच्छा, तो आप भी सिनेमा नहीं देखते? भी? हम भी नहीं देखते साहब, जब से टैक्सी लिए हैं ना, सिनेमा देखना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि साहब ये जो शीशा है ना, यही अपना चलता फिरता सिनेमा घर है। नई नई फिल्म, नया नया तमाशा रोज इसी में देखते हैं। मनोरंजन भी हो जाता है, टैक्स भी नहीं लगता है, क्योंकि इसी में आनंद है। तो फिर कहाँ चले साहब? कहीं भी ले चलो, आज हम पूरा दिन घूमेंगे। साहब एक बात बोले साहब, अगर हुक्म हो तो हम भी अपने घरवाली को उठा लाए, क्योंकि इसी में आनंद है। हाँ हाँ, उठा लाइए ना। लगता है आपने भी नई नई शादी की है। नहीं नहीं साहब, 11 साल हो गया। लेकिन आपकी पत्नी को हमारे साथ ठीक लगेगा? काहे नहीं लगेगा मैम साहब, अनजाने लोग तो जंगल के पेड़ पौधे होते हैं साहब। अरे जी का जंजाल तो जाना पहचाना आदमी ही बनता है। वो कैसे? देखिए ना साहब, अपने घर में दूठो ही कोठरी हैं और उसी में पूरे 9 अदद आदमी पीले रहते हैं, फिर भी साहब उसी में। बाप रे बाप, क्या आपके 7 बच्चे? बचवा तो दूठो ही हैं, बाकी माताजी, पिताजी, भाई बहन वगैरह वगैरह। आपके 2 ही बच्चे हैं? इसका मतलब है कि आप भी फैमिली प्लानिंग को मानते हैं। सब फैमिली को मानते हैं तो प्लानिंग को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में आनंद है। आप कहाँ के रहने वाले? नस्ल तो गोरखपुर की है साहब, लेकिन असल में हूँ बंबई का। वो देखिए साहब आगे अपना आनंद महल। राम राम आचार्य जी। राम राम। ओ परमात्मा, अभी आते हैं, 2 मिनट। आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि इसी में आनंद है। अच्छा साहब। ले बिठवा दादा। राम राम। कमाल है ना, 11 साल से शादीशुदा है और फिर भी। मानसी, जब आपस में लगन लगाव होता है ना, तब ऐसा ही होता। हाय, देखो देखो कितना प्यारा बच्चा है। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, अपने प्यारे से प्यारे होंगे। कल रात सपने में एक बच्चा देखा, ऐसा लगा बहुत दूर से दौड़कर मेरी तरफ आ रहा हो। इतनी छोटी जगह में दूर से भागकर कैसे आएगा? सुनो, किसी पार्क के पास एक नया मकान ले लो। सब खाने का क्या चक्कर है? चल चुका है ड्राइवर साहब। चिंता नहीं, सब लोग खाना खा चुके हैं। बैठो 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 बैठो, पोटली संभाल के। अरे तुहार, चलिए साहब आप भी क्या याद करेंगे, एकदम धांसू जगह ले चलते हैं। ए, तनितो का ध्यान आयल बाटे?
वही जगह। अरे जौने साल बड़ा मुन्ना हो रहा गई रहल की नाही। अरे वही तुलसी झील का किनरवा वाला जंगल। आपकी पत्नी तो बहुत शर्माती है। इसका पाप भी कभी शर्माया है मेन साहब? ये तो सिर्फ हमारे ही सामने छुक छुक छुइयां बनी रहती हैं। ये छुक छुक छुइया क्या होता है मेम साहब? छुई मुई का बिरवा देखे हैं? वही लाजवंती। पर साहब हमार लाजवंती वो तेरा क्या कहने वाला खाना बनाती है। वो तो लग ही रहा है। सुनिए आप घर भर के लिए खुद खाना बनाती है? अरे बोलवा तो मुंह से फूटन देना। अब यहाँ कौन घराइल बात है, ये तो टैक्सी है, हमार टैक्सी। क्यों ये घर में बोलती नहीं है क्या? नहीं नहीं मैम साहब, देखिए ना हम लोग तो पुराना ही रीति रिवाज को मानते हैं ना, घर में बड़े बूढ़ों के सामने बोलना चालना अच्छा नहीं लगता। आप दोनों की बातचीत नहीं होती? नहीं साहब, खूब बोलते बतियाते हैं लेकिन इशारों में गुपचुप। क्या करें साहब, बड़े बूढ़ों लड़के बच्चों के सामने पांच गज का ये घूंघट। सब लोग कहते हैं साहब कि इनका बाल बहुत ही घना काला लंबा है, पर हमसे पूछिए, कसम ले लीजिए साहब, गंगा कसम, हम इनका बाल कभी रोशनी में देखे हों। ये तो बहुत बुरी बात है। सुनिए घूंघट हटाइए, हम लोग भी देखे जरा। अरे थक गए नजरा, ढरक गए गजरा, अरे गजरा चले गए मुरझाए, चले गए मुरझाए, अनारी हो बल मुंह। आज का दिन कितना सुनहरा दिन है। क्यों नहीं होगा, आज का दिन तो बहुत नसीबदार दिन है। ये दिन न सिर्फ तुम्हारा है न मेरा है, ये हमारा दिन है। लीजिए, खाना कैसा रहा? खाना तो अच्छा ही था लेकिन मजा नहीं आया। सॉरी। तुम सॉरी क्यों हो? मजे को तो सिरदर्द हो गया है ना, लेकिन कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो ठीक कर लेंगे। हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, आप बहुत ही आशावादी हैं। आशा ही जीवन है मानसी, आशा ही अमृत। आशंका से जिंदगी की बीमारियां बढ़ती ही जाती हैं। गुड नाइट मानसी, शुभ रात्रि। रोज सुबह सूर्य डूबने से पहले उठो और रियाज करो, देखो तुम्हारे संगीत का रंग ही बदल जाएगा। चलो तो सुख कैसे दे पाऊंगा? अमर, कोई कोई नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। एक बात बताओ अमर, लोग प्यार को कैसे इतनी नफरत करते हैं? ये नफरत नहीं है मानसी,
प्यार से लोग जलते हैं। जो लोग हमारी शादी के खिलाफ हैं, उनसे सिर्फ एक बात पूछो कि हमारा सुख उन्हें कैसे दुखी करता है। सुख अमर, शादी हमें सुख देगी ना? देगी ना? हमारे सब सपने सच हो जाएंगे। हाँ मानसी, हम लोग सच्चे रहेंगे तो क्यों नहीं होंगे। मार्गरेट, तुम खाना खा के सो जाओ। मैं समझी तुम सो रहे थे। पति बंद कर। थोड़ी सी विक्स लगा दूं? सर मैं दर्द नहीं है। वो तो मैं जानती थी। अपने मतलब की तो सब बातें जानती। क्या मतलब? क्यों, हिंदुस्तानी नहीं समझती हो? सचमुच तुम कितने बदल गए हो अमर। तो इसमें बुराई क्या? उत्थान हर आदमी को बदल देता। हाँ, पतन भी आदमी को बदलता है। वो तो मैं देख ही रहा हूं। देखा, अब तो तुम्हें मेरी सूरत से भी नफरत हुई। मैं समझी तुम मुझे बत्ती बंद करने के लिए कह रहे थे। वो मैंने तुम्हें 10 घंटे पहले कहा था। 10 सेकंड 10 घंटे होते हैं? हाँ होते हैं। लड़ना चाहते हो? क्या फायदा? फिर चुप रहो। लड़ना चाहते हो? क्या फायदा? इन सब हरकतों का अंजाम क्या होगा जानती हो? क्या होगा? तुम जो सोचते हो वो कर नहीं सकते, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, क्योंकि तुम कायर हो, एक आधे जानवर और एक अधूरे इंसान। इतनी सिगरेट मत पिया करो, बहुत नुकसान करती है। जानता हूं, लेकिन क्या करूं, इतने सारे तनाव, उलझनें, परेशानियां, जब किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं मिलता तो सिर्फ बेजान सिगरेट ही सहारा देती है। Thank you.
सुना है मानसी से शादी करना चाहते हो? जी। अगर मैं ना चाहूं तो? जी, हम कारण जानना चाहेंगे। इस हम में दूसरा कौन शामिल है? जी, मैं और मानसी। मानसी और तुम दोनों क्यों? जी, इसलिए कि ये शादी हम दोनों की है। हाँ, शायद हो सकती है, लेकिन नहीं होगी। क्यों? कैफियत चाहते हो? जी नहीं, मुझे जानना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता, इतना काफी नहीं है? अगर इतना ही काफी है तो मेरी आपके बारे में धारणा बदल जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? शायद आपको नहीं, मुझे पड़ता। वो कैसे? आपकी इज्जत किए बिना मानसी से प्यार कैसे रहे? आजकल किसी एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करते हो? जी हाँ। सुना है उस लाइन के लोग कुछ ऐसे ही होते हैं? कुछ लोग होते हैं। तो आप उन कुछ लोगों में से नहीं हैं? जी नहीं। यह तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं कह रहा हूं। विश्वास क्यों करूं? क्यों नहीं करेंगे? Operator, I told you not to disturb me. यही उत्तर है? उत्तर तो है, पर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। सब अच्छा लगता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? जी, जानना चाहता हूं, जब आपने फैसला कर ही लिया कि मानसी की शादी मुझसे नहीं करेंगे, फिर मेरे अच्छे या बुरे होने का सबूत क्यों चाहते हैं? फिर से सोचना चाहता हूं, विचार करना चाहता हूं। माफ कीजिए, हम दोनों बच्चे नहीं। हम दोनों की शादी के बारे में सोचने वाले आप कौन होते हैं? मैं कौन होता हूं मालूम नहीं तुमको? जी हाँ मालूम है, आप मानसी के पिता होते हैं। होते हैं नहीं, हूं। जी हाँ, मानसी कहती। फिर? और मैं मानता हूं। मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं मानसी का पिता हूं, इसलिए। कोई सबूत है? कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक अच्छा आदमी हूं, तो कृपया विश्वास कीजिए कि मैं एक अच्छा आदमी हूं। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, निकल जाओ यहां से, चले जाओ। अच्छा आदमी इस ढंग से बात करता है? सिर्फ अच्छा आदमी ही इस ढंग से बात करता है। नमस्कार।
आगे बोलो। ब्यूटीफुल। क्या जो देख रही हूँ? क्या देख रही हो? कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। बस और क्या? आंखों देखी हर बात सच नहीं होती। मैं होती हो, लेकिन ये कमल के पत्ते पर पानी की बूंद ही है। नहीं है। ओहो ठीक है, चलो चक्कर देखो। नमकीन, बिल्कुल आंसू की तरह। ये किसका आंसू है? वो बाद में बताऊंगा, पहले एक मजेदार बात सुनो। मध्य प्रदेश में एक जनजाति है आदिवासियों की, जानती हूँ। ब्याह कैसे पक्का होता? कैसे? शादी की रात मियाँ बीवी को एक दूसरे के आंसू पीने पड़ते हैं। यानी शादी की रात वो लोग रोते हैं? बहुत रोते हैं। पर क्यों? सारा रोना धोना पहले खत्म हो जाए तो अच्छा है ना। बड़े अकलमंद है। और अकलमंद के लिए इशारा काफी है। तो फिर हो जाए, पिला दो ना। मानसी, 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 मानसी साहब। एक मिनट मैडम, इस पर एक फर्स्ट क्लास डायलॉग बोलो। आपके नैना नीर भरे आपको बहुत खूबसूरत बना दिया। एक बोलो पी लो इसे। ये पंखा क्यों बंद कर दिया? खाना ठंडा हो जाएगा इसलिए। अगर इतना ख्याल रखोगी तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी तो हमारी हो चुकी है और आदिवासियों की तरह हम एक दूसरे के आंसू भी पी चुके हैं। मिस्टर जेंटलमैन, हम आदिवासी नहीं है। हमारी शादी अपनी प्रथाओं से होगी। कैसे होगी? ये जो तुम्हारे मम्मी डैडी है ना, ये तो मुंह फुलाए बैठे हैं। पता नहीं, पहले तुम इतना चाहते थे और अब? सब तुम्हारी वजह से। जैसे ही तुमने प्यार करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्यार करना बंद कर दिया। जी नहीं, डैडी मामी से कहते रहते हैं उनकी आज्ञा क्यों नहीं ली जाती। हाँ, यश प्यार के लिए भी उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। शाबाश शाबाश, तुम्हारे अब्बा जान काफी आलिशान इंसान है। पिछले जन्म में जरूर बादशाह अकबर रहे होंगे। तुम क्या प्रिंस सलीम थे? हाँ अनारकली, हमने पिछले जन्म में भी तुम्हारा हाथ जिले सुबानी से मांगा था, लेकिन नाकामयाबी नसीब हुई। ए अनारकले, हम उस पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहते हैं कि इस जन्म में तुम्हारे हाथ और मेरे हाथ हमारे हाथों में रहेंगे। शाबाश, जा हाथ धो लो। हाँ चलो, तुम भी चलो। नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। चलो शुरू हो जाओ। बाद में। बाद में नहीं, एक साथ। प्लेट भी एक ही है ना। मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगी। क्यों, जगह पसंद नहीं आई?
हम लोग शादी के बाद भी इसी तरह साथ साथ बैठकर खाया करेंगे। आज ऑफिस से छुट्टी कैसे मिली? बीमार हूं ना। कितने झूठे हो मानसी। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं। अच्छा काम, ये अच्छा काम हो रहा है? इससे और अच्छा काम क्या हो सकता है? एक प्रेमी ऑफिस से बंक मार के और एक प्रेमिका कॉलेज से बंक मार के एक साथ बैठकर पिकनिक मनाए सन्नाटे में। चलो इसी बात पर खाना हो जाए, सन्नाटे में। जवान, जवाब नहीं तुम्हारा, क्या खाना बना? आधा वर्ष है। आधा वर्ष? मेरी दादी कहा करती थी कि मर्द का दिल जीतने के लिए उसका पेट जीतना बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हारी दादी ने औरतों का दिल जीतने के लिए कुछ नहीं कहा? हाय हाय, जैसे जानते नहीं हो। तुम्हें तो लड़की फंसा लड़की भगा कॉलेज का लफंगा लेक्चरर होना चाहिए था। अच्छा, लफंगा होना भी जरूरी है? हो नहीं क्या, शरीफ आदमी शादी के बाद प्यार करते हैं और तुम जैसे लफंगे शादी से पहले। लफंगा ही सही लेकिन प्यार तो करते हैं ना। सॉरी दीदी, किसी ने ऑफिस में डैडी को फोन कर दिया कि आप यहाँ हैं। उन्होंने घर में फोन किया, कार मंगाई, मम्मी भी बहुत नाराज है। लेकिन तू कैसे आया? टैक्सी में दौड़ते हुए। अजीत, तुम दीदी की फिक्र मत करो, तुम जाओ। भाई साहब, आप डैडी को से जानते नहीं? मैं डैडी को जानता हूँ, वो एक शरीफ आदमी और एक शरीफ आदमी के घर आ रहे हैं। शायद वो आ गए। प्यार किया तो डरना क्या, अरे प्यार किया। अमर प्लीज। इस परिस्थिति का स्वागत करो मानसी, इज अ ब्लेसिंग डिस्गाइज। चलो खाना खा लो। खाली पेट तो ससुर शेर का भी सामना करना बड़ा मुश्किल है। दरवाजा खुला है, खुला रहने दो। डर नहीं लगता? नहीं तो अगर उन्होंने कुछ। फिक्र मत करो अमर, तुम नहीं जानते, बात बात में डैडी का हाथ उठ जाता है। अगर आज उठ जाए तो बात बन जाएगी। हाँ रामदम। नमस्ते साहब, बड़े साहब गाड़ी में बैठे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। आप ना आइए साहब, बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। बेबी जी आप चलिए। रामदम तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी साहब। हाँ जी, तुम खाना खाओ। डरो मत, जिनका हम सामना करने जा रहे हैं वो हिटलर नहीं तुम्हारे पिता हैं। लेकिन अमर अगर खुद। घबराने क्या बात, मैं भी गया और अभी। आइए ना मानसी, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंदर आइए ना मानसी, खाना भी खा लेगी और हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। मानसी, क्या मुझे इसके जरिए तुमसे बात करनी पड़ेगी? प्लीज डैडी, अंदर आइए ना। कहाँ अंदर आऊं? यहाँ इस घर में? नेवर। आप पहले भी कई बार इस घर में आ चुके हैं। मत दिलाओ उन दिनों की याद, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। शर्मा जी कृपा करके अंदर आइए ना, बैठिए बातचीत कर लेते हैं। बातचीत? कौन किससे बातचीत करना चाहता है? हम लोग आपसे। मानसी तुम सीधे बाहर चलती हो या मैं रामधन को बुलाऊं? शर्मा जी खबरदार, जो अपनी जबान से मेरा नाम लिया। आहिस्ता बोलिए, यहां सब लोग आपको जानते हैं। मुझे मालूम है कि मुझे सब लोग जानते हैं, सवाल यह है कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं? कम से कम आप तो जानते हैं। जानता था, पहचाना अब। मानसी, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। देखा अपना प्रभाव। शर्मा जी जाओ, मानसी घर जाओ। घर? कौन सा घर? हे
ए, ऐसा नहीं करते। डैडी मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? नहीं रहूंगी। अमर सच बताओ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम डैडी को माफ कर दोगे ना? अरे पागल, डैडी ने तो मुझे इसलिए मारा कि वो मुझे प्यार करते। कभी कभी तो तुम्हारी बातें बिल्कुल पहेलियां लगती हैं। इसलिए तो ज्यादातर लोग मुझे गलत समझते हैं। खैर जाने दो, तुम तो मुझे कभी गलत नहीं समझोगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा। चलो खाना खा लो। ये खाने वाने का चक्कर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। पहले खाना खा लो, खाए बगैर तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ साल पहले उस घटना के बावजूद भी तुमने मुझे जबरदस्ती खिलाया था, और आज मैं यहां भूखा लेटा हूं। मैं वही तो हूं मानसी, जिसके लिए तुम हमेशा कहा करती थी, अमर तुम बगैर खाए कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। कितना फर्क आ गया है, तब तो तुम प्रेमिका थी ना, और अब पत्नी हो। तुम्हारे डैडी ने कितना बड़ा सच कहा था, हम सचमुच प्रेम शब्द का अर्थ नहीं समझते। डोंट बी मैड, आज मेरी शादी की दूसरी सालगिरह है, मुझे घर जल्दी जाना है। सुनिए, कमाल है यार। तुमने उन्हें डराई दिया था। बिल्कुल नहीं जान पाए थे ना। मुझे क्या पता कि तुम निकलोगे, तब तो मेरा पास बहुत अच्छा रहा होगा। मैं चाहती तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं, आखिर मैं खुद डर गई। क्यों? क्योंकि तुम डर गए थे इसलिए। डरना नहीं चाहिए था, विदा हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। निराश हुई? हाँ। ठीक है, आइंदा कोई चालू चीज दिखी तो उसे निराश नहीं करूंगा, जान से मार डालूंगी। तुम ही तो चाहती हो कि ऐसी ऐसी लड़कियों में दिलचस्पी लूं। क्या और क्या? क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? वैसी तो नहीं हो, लेकिन नकल तुम वैसी की कर रही थी। वैसी वाली क्या घूंघट निकाल के घूमती है? कभी कभी। तुम्हें कैसे मालूम? मैं एक से मिल चुका हूँ। तुम मिल चुके हो? कहाँ? यही कोई 10-15 मिनट पहले। शर्म नहीं आती? मान लो मेरी जगह दूसरा कोई आदमी होता तो? कैसे? मान लो धोखे से मेरे जैसा आदमी होता वो, और जिस तरीके से तुमने कहा, सुनिए, और वो भी कह देता, सुनाइए तो। अमर, ए, ए, ये सब तुम्हें सूझा कैसे? खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, तो इस खाली दिमाग को भरने के लिए घर में एक नन्ना सा शैतान लाना पड़ेगा। जल्दी से ला दो ना। पूरे 10 महीने लगते हैं मेम साहब। अरे ये क्या बेडरूम है? कभी तो था। जी नहीं।
इसका मतलब अब तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए कोई इज्जत है ना यकीन। तुम जलती हो, शक करती हो, क्योंकि तुम्हें खुद अपने आप पर विश्वास नहीं। अगर मेरा विश्वास टूटा है इसके जिम्मेदार तुम हो। हाँ हाँ, सब कुछ मेरी वजह से तो है। मेरी वजह से तुम्हारा विश्वास टूटा, मेरी वजह से तुम मुझसे तंग आ चुकी हो, मेरी वजह से तुम फ्लर्ट बनी, लेकिन मेरी वजह से जो मुझे तुमसे मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। कभी मुंह खोलकर कहा तुमने क्या चाहिए तुम्हें? क्या है जो तुम्हें नहीं मिलता? तुम चाहते हो तुम्हारे मन की बात बोले बगैर मैं समझ जाऊं, लेकिन तुम्हारा मन वो कहां होता है अमर? तुम हमेशा मेरी गलतियां निकालते हो। कभी किसी बात के लिए भी तुमने मेरी तारीफ की है? जहां तक मेरा सवाल है ना अमर, तुम सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा हो। मैं एक बर्फ का टुकड़ा हूं, आज एक बर्फ का टुकड़ा हूं, लेकिन याद करो जब मैं भी खोलते पानी की तरह गर्म था। यही तो है, या तो तुम बर्फ हो या खोलता पानी। God, what an extremist you are. सब कुछ तुम्हारी वजह से। चलो, कुछ तो तुम मेरी वजह से हो। हूँ, लेकिन होना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बस। मैं हार गई, तुम जीत गए। अब प्लीज चुप करो। थोड़ी सी शांति तो मिले। शांति? शांति अगर चुप करने से या हारने से या जीतने से मिलती तो ये दुनिया कब की सुखी हो जाती। तुम्हें शांति चाहिए, सचमुच की शांति चाहिए, तो पहले अपने आप को अंदर से शांत करो, फिर मिलेगी। Not before that. यही तो तुम्हारी खूबी है अमर। इतनी कठिन बात कितनी आसानी से कह गए। तो फिर एक बात और भी बता दो, अंदर को शांत करने के लिए बाहर क्या करना चाहिए? समझने की कोशिश, आपसी अंडरस्टैंडिंग की खोज। तो इसी खोज के लिए आप रीता तक पहुंच जाते? नहीं नहीं नहीं, वो आती है समझदारी के साथ, प्यार के साथ। और ये तुम्हारा बर्फ का टुकड़ा अपनी प्यास से पिघल जाता। अमर, अमर, यही पिघल जा अमर, यही पिघल कर देखो, सारे संसार का प्यार तुम्हें ही मिलेगा। इस छोटे से दिल में, इन्हीं छोटी छोटी धड़कनों में, हाँ यही, सिर्फ यही। इसी तरह रहो, इसी तरह मानसी, मुझे मेरे पास रहने तो, इसी तरह हमेशा मैं तुम्हारा था, हूं, रहूंगा। मार्गरेट, मार्गरेट, आज मार्गरेट की छुट्टी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि नौकर को छुट्टी देने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। कब? ये बात तो तुमने कभी नहीं कही। कितनी बार कहा तुम्हें? ठीक है, मैंने नहीं सुना होगा। तुम मार्गरेट को ढूंढ रहे हो या कपड़े? अपना सर ढूंढ रहा हूँ। एक ही कबाड़ में तुम्हारे मेरे कपड़े एक साथ क्यों होते? ठीक है, आगे से हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, हो जाने चाहिए। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। कोई डायरी हो तो लिख भी लो उसमें। इडियट। क्या कहा?
सुना नहीं? नहीं सुना। मेरी कमीज कहाँ है? ये पहनो जल्दी से। हाय, हाय। वो कहीं जाने की तैयारी हो रही थी क्या? हाँ वो हाँ दरअसल सिनेमा जाने की सोच रहे थे। अच्छा सोच रहे, बहुत अच्छा सोच रहे। जा जा जा। अच्छा तो प्यारे कबाबो हड्डी चला। ए, रहने दो ना। तुम भी मैट, काड़ा कैसे रहने दो? मजाक है क्या? अमर, तुम्हारा ये पैर छूना अच्छा नहीं लगता। मानसी, छुआछूत प्यार की दुनिया में अछूत है। अब ये डायलॉग बोलकर हिंदी फिल्म का हीरो हीरोइन के पैर से कांटा निकालकर अपने दिल के पास वाली जेब में रख लेगा। अपने पास जेब ही नहीं।
लेकिन हीरो हिंदी फिल्म का ही है। क्या कहा? मैं हिंदी फिल्म का हीरो? हाँ हो। हीरो? हाँ। फिल्म का हीरो? हाँ। कहा ते? अरे अब बोलो। अच्छा बाबा अच्छा, उफ बस, तुम हिंदी फिल्म के हीरो नहीं हो। हाँ ये हुई ना बात, एकदम करेक्ट। अच्छा अमर एक बात बताओ, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि तुम हो। वाह, ये भी कोई जवाब है? यही तो जवाब है। देखो मैम जी, तुम दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो हो नहीं, फिर भी तुम्हें प्यार करता हूं। ना तुम सबसे अकलमंद हो और ना तुम सबसे बड़े बाप की बेटी हो, फिर भी तुम्हें प्यार करता हूं। प्यार करता हूं क्योंकि तुम हो बेवकूफ, और मेरे ख्याल से तुम भी मुझे इसीलिए प्यार करती हो कि मैं हूं। यानी कि मैं तुम्हारे मैं को प्यार करती हूँ और तुम मेरे मैं को प्यार करते हो, ये तो बड़ी खतरनाक बात है अमर। कहीं हम होने के बाद हम लोग मैं ना करने लगे। नहीं मानसी, ऐसा नहीं होगा। प्यार रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। सुना अमर, डैडी कहते हैं जो प्यार है ना, ये एक शब्द है, बहुत खोखली चीज है। असली चीज है श्रद्धा। बगैर श्रद्धा के संबंध संबंध नहीं रहता। ठीक है तुम्हारे डैडी। लेकिन जानते हो माँ क्या कहती है? माँ कहती है आदमी कभी औरत की श्रद्धा कर ही नहीं सकता। क्यों? कर सकता है जब वो औरत उसकी माँ होती है, बहन होती है या किसी दूसरे की बीवी होती है। अपनी औरत के आदमी कभी श्रद्धा कर ही नहीं सकता। अपनी औरत के साथ उसके सिर्फ दो संबंध होते हैं। जब तक औरत के पास शरीर रहता है वो उसका गुलाम बना रहता है, और बाद में बीवी बच्चों का मालिक। श्रद्धा बद्धा सब बड़ी बड़ी बातें हैं। नहीं मानसी, ऐसा नहीं है। मैं हर औरत की श्रद्धा करता हूँ, हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हर मामले में औरत आदमी से छोटी है, कमजोर है, इन्फीरियर है। लेकिन एक बात में औरत आदमी से बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, बहुत सुपीरियर है। आदमी सब कुछ बन सकता है, माँ नहीं बन सकता। लेकिन औरत माँ है, और हर औरत माँ बन सकती है। औरत आदमी को जन्म देती है मान जी, इसलिए मैं हर औरत की श्रद्धा करता हूं, तुम्हारी भी। कितना सुंदर सोचते हो तुम अमर, लिखते क्यों नहीं? लिखूंगा, जानकारी पूरी हो जाए फिर लिखूंगा। पहले शादी हो जाए फिर देखो क्या क्या। इतने सपने एक साथ मत दो अमर। क्या करूं मानसी, शादी से पहले मैं तुम्हें सपनों के अलावा देख क्या सकता हूं। अमर, हमारे बच्चे की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए।
सुनो, चल रहा है। माँ पुकार कर पूछा बच्चे ने, आया कहाँ से हूँ माँ, बोलो तो। पड़ा कहाँ पाया गया, बोलो तो। सुनकर सवाल ये माँ के स्तनों से उफन पड़ा दूध, और वह आया आंखों से मेरे लाल। तुम तो हमेशा थे मेरे मन की अभिलाषा में, तन की परिभाषा में, बचपन के गुड़िया घर में। कितनी बार तुझे खेलते खेलते तोड़ा, तोड़ते तोड़ते जुड़ा, पाकर खोया और खोकर पाया है। कहाँ से बताऊँ तू आया है, पड़ा तुझे मैंने कहाँ पाया है मेरे लाल। तू हाँ तू ही तो है मेरी अमर आशा, सुबह का सपना माँ और दादी की सुनहरी ख्वाहिश, प्रेम की परंपरा, ख्वाब की ख्वाहिश और प्रेम की आशा से बनी तेरी काया है। कहाँ से बताऊँ तू आया है, पड़ा तुझे मैंने कहाँ पाया है मेरे लाल। ओह गॉड, क्या हुआ मानसी? ये कवि लोग भी कितने एक तरफा होते हैं। क्यों? माँ और बच्चे को लेकर कितनी सुंदर कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन बाप और बच्चे को लेकर किसी ने कुछ नहीं लिखा। फिक्र मत करो, मैं लिखूंगी। पहले बन तो जाओ। सिर्फ 2 हफ्ते और हैं। ये 2 हफ्ते और जो है, ये समय जल्दी से बीत क्यों नहीं जाता? समय कैसे बीत जाएगा? संसार में समय एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बीतता। हम लोग बीत जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो अमर? कुछ भी अच्छा नहीं लगता मानसी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? सोचो ना, मैं कितना लाचार हूं, कितना बेबस हूं। अमर। हाँ मानसी, ये जो हमारे तन मन का सपना यहाँ पड़ रहा है, इसके बीज बोते वक्त का आनंद हम दोनों का था, लेकिन आज की तकलीफें तुम्हारी हैं, सिर्फ तुम्हारी। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अमर, विश्वास करो, कोई तकलीफ नहीं है। जरा मुस्कुरा दो, ए मुस्कुराओ ना प्लीज। बोलो बोलो मत मानसी, बोलो मत। मुझे शट अप कहने से पहले तुम खुद अपनी गंदी जुबान बंद करो। हाँ, मेरी जुबान गंदी है, मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है, तुम्हारी हर चीज गंदी है। अब तो तुम्हारे दिल से भी बदबू आने लगी है। तो फिर किसी खुशबूदार दिल की तलाश करो ना मानसी। हर चीज की हद होती है। होती है,
इंसान के लिए होती है। अपने आप चुप करोगी या मदद करो? मदद तुम करोगे, खुद की कर लो ना थोड़ी सी बेचारा। ऐसे बोलो, बोलो बेचारा। थोड़ी मदद और करूं? एकदम फर्स्ट क्लास। बताओ आपकी ख्वाहिश ने जो खोजा था। शराब। शराब क्या, ये भी कोई लाइन है? अरे डफूस, बगैर सोचे समझे किटकिट मत क्या करो। सुनो, आपकी ख्वाहिश ने जो खोजा था, ख्वाब यानी कि ड्रीम, ख्वाहिश यानी कि डिजायर। नाउ ख्वाब प्लस ख्वाहिश इज इक्वल टू यू एंड मी। देयरफॉर ख्वाब की ख्वाहिश ने जो खोजा था इस तस्वीर ने पाया है। करो इसका आलिंगन चुंबन, सहलाओ इसे संपूर्ण आस्था से, रखो सुहाग स्मृतियों में तब तक जब तक हम प्यारे हैं प्यार के। फर्स्ट क्लास। चलो ऑटोग्राफ प्लीज। अरे ये क्या, ये तो तुमने मेरा नाम लिख दिया। तुम मेरा नाम लिखो। फट क्लास। ओके डफूस। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छी, कैसे रहते हो इसी गंदी जगह में? अरे बाबा, ये गंदी जगह नहीं है। ये गंदी जगह नहीं है, ये मेरी माँ की तस्वीर है। ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है? माँ की तस्वीर थी। ये निशान? ये निशान अब है। पहले यहाँ माँ थी, फोटो में चश्मा लगाए झुर्रियों वाली माँ। तुम मुझे पागल समझ रही हो? मैं पागल नहीं हूं। एक जमाने में यहां बैठकर मैं खाना बनाया करता था। एक दिन दाल बना रहा था, तब से फोटो दाल में गिर गई। फोटो टूट गई, दाल खराब हो गई, लेकिन ये निशान रह गया। परसों हमारे ड्राइंग रूम में भी एक पुरानी तस्वीर हवा से गिर के चूर चूर हो गई, लेकिन दीवार पे निशान नहीं पड़ा। मानसी, ये जो आजकल की दीवारें हैं ना, ये भी इंसान की तरह बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलती हैं। इसलिए निशान को निशान बनने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, दीवार में किले मत गाड़ा करो।
हंस क्यों रही हो? मैं पूछता तुम हंस क्यों रही हो? दीवार पर कोई निशान न देखकर डर गई थी अमर। शुक्र है कि कील है, मैं हूं। अब इस दीवार पे कोई कील नहीं रहेगा। इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करो अमर। हम दोनों ने मिलकर इसे बहुत अंदर तक गाड़ा था। उसी अंदर को तो मैं बाहर फेंक देना चाहता हूं। हाउ सिली, हाउ सिली, हाउ सिली वी हैव बीन। कोशिश मत करो अमर, तुम्हारी दीवार टूट जाएगी। सुनील तुम्हारा बचपन का दोस्त और तुम उसे लेकर इस तरह की बात सोच रहे हो? जो तुम सोच रही हो मैं सोच रहा हूँ वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। वही सोच रहे हो, साफ लिखा है तुम्हारी शक्ल पर। देखा अब कितना गलत पढ़ने लगी हो। जरा सही पढ़कर सुना दो ना। सुना दूं? सहलो की कुछ बाकी है? हाँ है, सुनो। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि तुम्हारा सुनील के साथ चल रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों इस काबिल ही नहीं। दूसरों की काबिलियत को छोड़ो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। जानना चाहता जानो। सुनील के साथ जिस तरीके से तुम बातें करती हो, हंसी मजाक करती हो, उस तरीके से मेरे साथ पेश क्यों नहीं आती हो? आती थी, शादी से पहले आती थी। शादी के बाद क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। शादी से पहले तुम बोलते थे, मैं सुनती थी, मैं बोलती थी, तुम सुनते थे, और अब तुम बोलते हो कोई और सुनता है, मैं बोलती हूँ कोई दूसरा सुनता है, और जब हम दोनों बोलते हैं ना तो पड़ोसी सुनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? सारी गलतियां पर तुम ही तो रोशनी डालते हो, तुम ही बताओ क्या हुआ। शादी से पहले तुम सिंगार करती थी किसके लिए, खुश रहती थी किसके लिए, सजती थी किसके लिए? तुम्हारे लिए। और अब? और अब खुश रहती हूँ तुम्हारी पार्टियों में, खुश लगती हूँ जब बाहर जाती हूँ, खुश दिखती हूँ जब बाहर से कोई आता है, सजती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ दूसरों के लिए। क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें साजो श्रृंगार से क्या लेना देना है अमर। अब तो तुम्हें खुशी मिलती है सिर्फ मेरे कपड़े उतारने में। अब तो इससे भी तंग आ चुका हूं। नेचुरली एक ना एक दिन हर खेला खाया पति अपनी पत्नी से तंग आ जाता है। तुम्हारे चाल चलन से भी तो यही लगता है। और तुम्हारे चाल चलन से क्या लगता है? यही, मैं एक सस्ती झगड़ालू औरत। महाशून्य के महान विस्तार में है एक सुनहरा संसार, घर है वही सूरज और धरती का, जन्मी है वही जिंदगी, पैदा हुआ है प्यार, प्यार का प्रकाश का सूरज है महापुष्प, उसी की महक से महकता है मानव मन,
समय की सृजन की सूरज है पहली मुस्कान, उसी से है 49 पवनों का जीवन संगीत, सुहाग का सुहाग रात का सूरज है पहला पति, आता है रोज नए रंग से जाता है रोज नए ढंग से, सजता है सजाता है प्राण प्रिय धरती को, मौसम की मेहंदी से बिजुरी की बिंदी से इंद्रधनुषी महवार से बादर के काजर से, योग का भोग का शाश्वत संभोग का सूरज है महायोगी, रीति और रिवाज है उसी की परंपरा, कार्यक्रम उसी से मायाक्रम उसी से दृश्य भ्रम उसी से स्वर्ण वहम उसी से, सत्य सत्य सपन इस कविता में कुछ लाइनें और थी लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रही। कौन सी लाइनें? उन लाइनों का मतलब था कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, जब से ये संसार बना तब से वो बराबर घूम रही है, घूमती जा रही है। तरीका तो अच्छा है। कौन सा? यही मेरे डैडी मेरी मामी से डिमांड करते रहे कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो, इसलिए हमेशा मेरे चारों ओर घूमो। यही मेरे डैडी के डैडी मेरी दादी को कमांड करते रहे कि तुम सिर्फ मेरे बच्चों की माँ हो, इसलिए मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ। जानती हूँ अमर, तुमने भी हमेशा यही चाहा है। नहीं मानसी, हमने उसे बहुत ज्यादा चाहा। क्यों चाहा है? क्योंकि हमारी चाह शादी से नहीं, प्यार से पैदा हुई। हमारा प्यार जो है ना मानसी, याद करो शादी के पहले के दिन, याद करो शादी के पहले हम जब मिलते थे, छुप छुप कर मिलते थे। कितनी देर के लिए मिलते थे? एवरेज निकालो तो 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में हम दोनों सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छी बातचीत, सबसे अच्छे तौर तरीके लेकर कम से कम टाइम में एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते थे। उस 1 घंटे वाली तुम और उस 1 घंटे वाला मैं कितने अच्छे थे, और आज ये 23 घंटे वाले हम कितने खराब हैं। खराब नहीं है मानसी, कुछ कर नहीं पाते हैं। शादी से पहले कोई ऐसी बातें नहीं थी अमर जो तुम कर नहीं पाते थे। तब मैं प्रेमी था, आज पति हूं। तब जिंदगी एक सपना थी, हम थे। आज जिंदगी एक लाचारी है, एक रीति है, रिवाज है। हमारे हम के 2 टुकड़े हो गए, तुम्हारा मैं और मेरा मैं। हाँ अमर, हमारे मैं हमेशा मैं करते रहे, फिर बात उतर आई तू मैं पर, बस यही करते रहे। कितनी अजीब बात है, हमें अपनी तकलीफ अपनी क्राइसिस पता, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। अमर, कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ता है। आज ये सूरज वाली बातों से सीख लो ना। सूरज की वजह से धरती है माना, लेकिन धरती की वजह से सूरज है ये भी तो मानो। मानसी, वो लाइनें याद आ गई। जन्मी है धरती सूरज से, फिर भी सूरज को धरती है, सूरज है सूरज धरती से, पर धरती फिर भी धरती है।
चलो, दूध वाला आता होगा। बगैर खाए तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते।